गिरिडीह जमुई मुख्य मार्ग पर दर्जनों गड्ढे दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। सड़क निर्माण के शिलान्यास को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। यह जिले की महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क पश्चिम बंगाल को बिहार से जोड़ती है। इस मार्ग से होकर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मौत मुंह बाए खड़ी हो। 23 अक्टूबर 2019 को विधायक जयप्रकाश वर्मा ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका था, लेकिन बीच में ही काम बंद हो गया। यूं तो ये पूरी सड़क ही बदहाली झेल रही है, लेकिन छोटकी खरगीहा के पास सड़क सबसे ज्यादा खराब है। जर्जर सड़क के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है कि पूर्व की रघुवर सरकार ने जो भी विकास कार्य शुरू किए उसे वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है। ये बेंगाबाद चतरो पथ है, हम लोग अभी अवस्थित हैं। यह रोड है, 2018 में इसका टेंडर हुआ था और ठेकेदार अपना काम भी शुरू कर दिया था। इसके बाद जब सरकार बदल गई तो फिर जो हेमंत सोरेन की सरकार है ये विकास कार्य से कोई मतलब नहीं रखा, जिस कारण रोड की ये दुर्दशा हो गई है और इतना लंबा समय तक रोड का काम बाधित रहा है, जिससे आवागमन काफ़ी प्रभावित हो गया है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये मुख्य मार्ग है, इसमें प्रत्येक दिन 5,000 से 10,000 गाड़ियाँ डेली सफर करती है। वहीं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जिला प्रशासन इसको देखना चाहिए, क्योंकि 2018 में शिलान्यास हुआ और अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ, तो यह बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि वहाँ जनता आए दिन शिकायत करते रहते, आए दिन दुर्घटना होता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाई हो रहा है। जिला प्रशासन इस पर अविलंब हस्तक्षेप कर जो संवेदक को काम मिला है उनको उनसे कार्रवाई करते हुए उनसे काम लिया जाए, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राह में चलने में आराम हो। बहरहाल पक्ष विपक्ष की इस राजनीति के बीच आम लोगों को पिसना पड़ रहा है। आम लोग तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण पूरा हो। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।